सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। आज हम शिक्षा जगत को लेकर के एक ऐसी बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो कड़वा सच है, क्योंकि शिक्षा जड़ है। शिक्षा यदि नहीं है तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति, सब कुछ बेकार है। तो शिक्षा तो दी जा रही है हमारे विद्यालयों में, हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारी सरकारों के द्वारा। एक गीत की पंक्ति दोहराना चाहेंगे हम कि हर घर में राम हैं, हर बेटी हमारी सीता है। यह आपने सुनी होगी पंक्ति, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ध्यान से सुनिए इस बात को, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये बात सत्य है कि राम बहुत सारे नहीं होंगे, कृष्ण बहुत सारे नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं होंगे तो क्या एक भी नहीं होंगे? इसको शिक्षा जगत से जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सब लोग इस समय बहुत प्रसन्न हैं, विद्यालयों में बच्चे बहुत अच्छे अंक पा करके उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं, उनको मान सम्मान भी मिल रहा है। एक आंकड़ा देखिए, आंकड़ा जो चौंकाने वाला, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की है। शायद हम दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो इस पर बात करने का दुस्साहस कर रहे हैं। इस पर भी लोगों की नकारात्मक टिप्पणियां आएंगी, आए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आज करोड़ों की संख्या में बच्चों ने परीक्षाएं पास की हैं, उसमें से कितने बच्चे उस स्थान पर पहुंचे हैं या राम बने हैं, किसी एक बड़े महानगर से जहां 20, 25, 30 लाख, 40 लाख लोगों में से एक कोई बच्चा जज बन जाता है, एक कोई बच्चा कलेक्टर बन जाता है, उसकी वाहवाही होती है। इस पर बिल्कुल काम नहीं किया जाता है, इस पर बिल्कुल बात नहीं की जाती है कि कितनी संख्या में से वो निकल के आया है। कम निकलेंगे ये बात तो तय है, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी के लोग जो हैं वो तो कम ही निकलेंगे ना, लेकिन क्या इतने कम निकलेंगे? ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। इस बात को, शिक्षा की गुणवत्ता को दबाने के लिए उनको ऊपर उठा दिया जाता है। किनको? जिन लोगों ने कुछ हासिल कर लिया है। वास्तव में उनके जैसे ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनसे कमज़ोर नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षक भी, बहुत सारे शिक्षकों को मैंने देखा है कि बहुत योग्य शिक्षक हैं, लेकिन इसके बाद भी इतने कम लोग, इतने योग्य लोग तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये कमज़ोरी है। हमारे देश में गरीबी रेखा में नाम लिखाने के लिए जो होड़ लगती है कि मुझे भी गरीब बनना है, मुझे भी गरीबी रेखा में नाम लिखाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम लोग गरीब ही बनना चाहेंगे तो धनवान कैसे बनेंगे? और ऊंचा उठना ही नहीं चाहेंगे। हमें मुफ्त की खाने की आदत पड़ चुकी है, तो मुफ्त की जब खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो उसके बाद में हमें कुछ समझ में नहीं आता, ना हम कुछ चाहते हैं। हमें सब कुछ मिल रहा है, सरकारें ठेका ले रखी हैं, और जब हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी संतानें भी ध्यान नहीं देंगी। स्वाभाविक सी बात है, उन्हें भी मुफ्त की खाने की आदत पड़ जाएगी, और इसके बाद में वो किसी पद प्रतिष्ठा से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। उनको बस एक ही चीज़ चाहिए कि घर में बैठना है, कूलर की हवा लेनी है, पंखे की हवा लेनी है, और बढ़िया कहीं से भी अपना
कुछ उपलब्ध हो जाए बस। तो प्रमुख बात हमारा जो कहने का विषय ये था, हो सकता हम अपनी बात कहने में सक्षम ना हो, फिर भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जिस देश में हम लोग बार बार कहते हैं कि हर घर में राम हैं, हर घर में देवी हैं, अब चूंकि राम और देवी की जो परिभाषा वो बदल गई है, उसका मापदंड बदल गया, अब अधिकारी जो हैं वो देवी हैं, अभी जो हीरो हीरोइन है वो देवी हैं, वो देवता हैं, मतलब जो चमक दमक में पहुंच गया है या जिसने कुछ योग्यता अर्जित कर ली है, जिसके संस्कारों से कोई लेना देना नहीं, संस्कार अब जो है नीचे के पायदान में जा चुके हैं, अब बाह्य आडंबर या बाह्य गुणवत्ता, अंदर की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है कि आपके अंदर क्या गुणवत्ता है, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्यों करना चाह रहे, उससे कोई लेना, आप बाहर से कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप बाहर से क्या प्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन मस्ट हो गया है। तो प्रेजेंटेशन जब महत्वपूर्ण हो जाएगा तो अब हर व्यक्ति प्रेजेंट कर नहीं पाता अपने आप को, और जब हर व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सब समस्याएं आएंगी। तो एक बार शिक्षा की गुणवत्ता पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है। एक देश एक शिक्षा एक नीति, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, ये बात हम लोग शुरू से जानते हैं। मध्य प्रदेश में अलग पढ़ाई हो रही है, गुजरात में अलग पढ़ाई हो रही है, दिल्ली में अलग पढ़ाई हो रही है, क्यों? हमारे बच्चों को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो दिल्ली को मिल रही है, जो दिल्ली को मिल रही है वो हमारे बच्चों को मिले, हम एक से शिक्षा पद्धति क्यों नहीं, शिक्षकों की गुणवत्ता में हम कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रयास करें, शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे बच्चों की गुणवत्ता भी होगी। तो हर घर में अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग बनाने नहीं देना चाहते, एक को हमने जंप मार दिया, एक बच्चा जज बन गया, एक बच्चा कलेक्टर बन गया, एक बच्चा आईपीएस बन गया, इतनी सारी संख्या में ये कुछ आंकड़े शोभायमान नहीं हैं। इस पर चिंतन करिए, विचार करिए, और कोई सवाल हो तो सवाल करिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा उत्तर कहीं से प्रयास करेंगे, उसको सर्च करेंगे, और हमारे प्रश्नों का उत्तर तो दूसरे लोग जल्दी दे देंगे ना, हम अपने प्रश्नों का उत्तर जब तक दे पाएंगे उससे पहले दूसरे लोग उसकी प्रतिक्रिया जल्दी दे देते हैं। तो सिर्फ प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा, क्रिया करना पड़ेगा। बारंबार नमन आपको, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।